नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की हेडलाइंस पर। SC ST एक्ट के खिलाफ स्वर्णों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन इसका आज बहरोड में कोई असर नहीं हुआ और सामान्य दिनों की तरह से बाजार खुले रहे। वहीं बहरोड का बाजार बंद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बहरोड पूर्ण रूप से बंद दिखाया गया, लेकिन पड़ताल करने पर पता चला कि हर एकादशी को मैन बाजार बंद होता है, इसलिए बाजार बंद होने का भारत बंद से कोई लेना देना नहीं था। पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत की अध्यक्षता में आए हुए जन प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना गया। सबसे पहले कस्बे के सेसाड़ा जोहड़ की समस्या के बारे में बताया गया, जिसमें वार्डवासी परेशान हैं और पार्षद प्रतिनिधि निधि ओम यादव ने अलवर रोड पर नाले के निर्माण नहीं होने से सड़क पर भरे पानी की समस्या को बारे में लिखित में शिकायत की। साथ ही चौराहे पर शौचालय बनवाने की बात पार्षद संजय ने वृद्धावस्था पेंशन के बाबत में कहा कि SDM कार्यालय में पेंशन योजना के तहत काफी फॉर्म भरे हुए पेंडिंग रखे हुए हैं, जिसमें प्रतिक्रिया आगे नहीं करने से गरीब लोगों को पेंशन चालू नहीं हो पा रही और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर ऋषि यादव ने नैनसुख मोहल्ले में भास्करानंद आश्रम के पास बनने वाले बस स्टैंड पर हो रहे 3 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों को लिखित में शिकायत की। पार्षद प्रतिनिधि ओम निधि यादव द्वारा 10 दिन में नाला निर्माण नहीं होने पर नगर पालिका के गेट पर धरना देने की बात कही, जिस पर उपखंड अधिकारी ने तुरंत ही नगर पालिका EO को बैठक से बाहर बैठकर इस समस्या का 10 मिनट के अंदर जवाब मांगा, जिस पर नगर पालिका EO ने JEN के साथ बैठक कर बात कर कल से पहले ही नाला निर्माण करने का काम शुरू करने का आश्वासन दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी ने सभी की समस्या सुनकर मौजूदा संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने की बात कही। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे रा24। नमस्कार।